गिरिराज सिंह ने कल कहा कि हिंदुओं को झटके का ही मांस खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए। इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं राजनीतिक दलों की आने लगी, लेकिन गिरिराज सिंह इतना आगे बढ़ के भी बोले कि अब तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जो है वो हलाल की दुकानें खुलवाऊंगा, अपने संसदीय क्षेत्र के मुखियाओं से कहूंगा कि आप यहाँ हलाल की दुकानें खोलिए जिससे कि एक नया व्यापार की शुरुआत हो। लेकिन आज जो है, पहले गिरिराज सिंह को सुन लीजिए आप। हलाल है, एगो मुसलमान को कोई हलाल झटका खिला दे, मैं उन मुसलमानों को प्रणाम करता कि मुसलमान अपने धर्म के प्रति एकदम अडिग है, कट्टर। ये हिंदू को भी अब समझना पड़ेगा, हिंदू को भी। मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ कि हिंदू भाई, सनातन धर्म में बलि प्रथा था, बलि प्रथा में झटका होता है, अगर वो रुक गया अशुद्ध माना जाता है। यही बेगूसराय में होता है ना मंदिर, लखनपुर मंदिर। तो मैं यहाँ भी अब झटका मिटका दुकान खुलवाऊंगा, मुखिया जी से कहूंगा, संजीव मुखिया जी से, कि एक बिजनेस का मॉडल खड़ा कीजिए। मैं सही कह रहा। लेकिन आज पलट कर बड़ा अच्छा जवाब जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने गिरिराज सिंह को दे दिया। नीरज कुमार ने कहा कि जरा बता तो दीजिए गिरिराज जी कि प्रधानमंत्री जो जूता पहनते हैं वो जूता झटका का है या हलाल का है। यानी कि नीरज कुमार ये भाजपा को बता देना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो जूता पहनते हैं वो जिस भी जानवर का हो, जानवर जो है झटके से मारा गया है ना हलाल करके मारा गया है, ये बता दीजिए। तमाम भाजपा के प्रवक्ता जो हैं एक तरीके से एकदम जागृत हो गए हैं अभी और नीरज कुमार पर हमला बोल रहे हैं। हम सारी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले नीरज कुमार को सुनवा दें। हलाल और झटका पर राजनीति चल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये जूता जो है ये हलाल का है कि झटका का है, सनातन धर्म के पुरोधा है का दावा, केदारनाथ के गुफा में उन्माद फैलाने का मंत्र जाप करते हैं, झूठी गारंटी का आत्मज्ञान लेते हैं, तो ये कहाँ का है? ये झटका का है कि हलाल का है? कृपा करके सनातन धर्मियों को यह भी जानकारी दीजिए। सुना आपने नीरज कुमार को, जरा बता दीजिए कि प्रधानमंत्री का जो जूता है वो झटके का है या हलाल का है। अब देखा जाए कि भाजपा इस पर क्या कुछ कहती है, भाजपा नेताओं के ऐसे रिएक्शन आने लगे हैं। लेकिन अभी किसी भी भाजपा के बड़े प्रदेश प्रवक्ता का या भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी का जो है, बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उनका इस पर कोई बयान नहीं आया है। 12:30 बजे के आसपास एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें इसका जवाब भाजपा के लोग देंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।